तो दोस्तों आ रहा है दाना तूफान। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से उठने वाला ये दाना तूफान क्या है क्या नहीं है पूरी डिटेल्स बताने जा रही हूँ, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आखिर क्या है ये दाना तूफान। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला है दाना तूफान, जो कि शुरुआत जो है हो चुकी है। 120 से 130 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने वाली है। रेड अलर्ट कर दिया गया है आसनसोल और साथ ही साथ उड़ीसा को। और आगे जानिए आपकी क्या है दाना तूफान और किसने दिया इसका नाम। आप देख ही सकते हो बैकग्राउंड में, आप देख सकते हो वेदर बहुत ज्यादा खराब है बंगाल से। मैं बंगाल से बिलोंग करती हूँ और अभी आपको जो है लाइव दिखा रही हूँ कि किस तरीके का वेदर जो है हो चुका है। करंट भी जा चुकी है, लाइट नहीं है दोपहर से। तो उम्मीद करूंगी जो भी रेड अलर्ट किया गया है सारे लोगों को, साथ ही साथ मछुआरों को भी रेड अलर्ट कर दिया गया है कि आप नदी तालाब के सामने बिल्कुल भी ना जाएं और बाकी सारी सावधानियां जो हमें बरतनी चाहिए वो आपको बरतनी जरूर चाहिए। आपको पूरी तरीके से आपको तैयार हो जाना है कि किसी भी किसी प्रकार का कोई भी ऐसा तूफान आए तो आपको पहले से ही हाई अलर्ट हो जाना है। आपको ऐसी जगह पर नहीं जाना है जहाँ पर आपको खतरा हो सकता है। तो चलिए आगे बताते हैं कि आखिर दाना तूफान क्या है। तो दोस्तों हर महीने आप सुनते ही होंगे कि कोई ना कोई तूफान आता ही रहता है। तो फिर से देखिए एक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां पर कहा गया है कि गुरुवार सुबह पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश होगी। साइक्लोन दाना राज्य के तट और पड़ोसी उड़ीसा के करीब पहुंच गया। चक्रवाती तूफान के शुक्रवार सुबह उड़ीसा के भीतरी राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच 120 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंचने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, साइक्लोन दाना के आने से पहले ही उड़ीसा के केंद्र तट पर तेज लहरें जो है वो उठनी स्टार्ट हो चुकी है, जिसका एक वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही साथ चक्रवाती तूफान के तेज होने की संभावना और हवा की गति मैंने आपको बताई कि 120 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी और आज रात तक यह उड़ीसा के भीतरी राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच जो है वो पहुंच जाएगा। इसीलिए उड़ीसा और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल को काफी ज्यादा रेड अलर्ट किया गया है, क्योंकि भीषण चक्रवाती तूफान दाना राज्य के तट और पड़ोसी उड़ीसा के करीब पहुंच चुका है। चक्रवाती तूफान के शुक्रवार सुबह उड़ीसा के भीतरी जो राष्ट्रीय उद्यान है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा रेड अलर्ट कर दिया गया है। लोगों को सतर्क किया जा रहा है कि आप नदी तालाब के सामने बिल्कुल ना जाए और साथ ही साथ अपने घर पर ही रहने की कोशिश करें। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भी राज्य सरकार की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। बता दें कि 24 अक्टूबर की रात से ही चक्रवाती दाना के पहुंचने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ चक्रवाती तूफान दाना की वजह से आज से 25 अक्टूबर तक हर ओर अलर्ट कर दिया गया। साइक्लोन दाना का असर जो असर होगा वो पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा, बिहार और झारखंड तक दिखेगा। मौसम विभाग ने बंगाल, उड़ीसा समेत राज्यों में 24 से 25 अक्टूबर को भारी बारिश होने की संभावना भी जताई है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चक्रवात दाना की गतिविधि की निगरानी करने और आवश्यक राहत बचाव और प्रयासों की निगरानी करने के लिए रात भर जो है नियंत्रण जो है कक्ष में रहेंगी और देखती रहेंगी किसको क्या जो है वो दरकार हो सकती है। तो उड़ीसा में साइक्लोन जो आने वाला है, एनडीआरएफ के 150 जवान और साथ ही साथ 25 टन राहत सामग्री के साथ भुवनेश्वर भी पहुंच चुके हैं। इमेज में आप देख ही सकते हो काफ़ी ज़्यादा जो है वो तैयारियां जोरों शोरों से कर ली गई है पहले से ही और सावधानियां बरतने को कही जा रही है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप बताइएगा कि आपके शहर में किस तरीके का मौसम का क्या हाल है, ठीक है। तो चलिए, रेड अलर्ट कहा गया है मतलब हम लोगों को सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।